हाय दोस्तों, ये वीडियो भी क्लासिक 500 पे है और स्टार्टिंग के रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो अलग है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो अलग है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक मिलने वाली है, आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर आप बाइक ओनर हैं तो आपके लिए भी, और अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके लिए भी। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि इस बाइक का जो ओनर है वो इसको खड़ी करके सिर्फ एक हफ्ते के लिए बाहर चला गया था और वापस आया तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है, जबकि सारे फंक्शन बाइक के काम कर रहे हैं। तो चलिए बाकी की वीडियो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि क्या हुआ है और इस बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये लीजिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट हो गई। ये क्लासिक 500 सीसी बाइक है, एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो रही थी, चल रही थी, एक हफ्ते के लिए खड़ी कर दिया तो बाइक स्टार्ट होना बंद हो गई। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और कभी आपके साथ अगर हो जाए ऐसा तो आप खुद से भी सही कर सकते हैं। चाबी ऑन है अभी यहाँ पर, और अब मैं यहाँ से आपको करंट दिखाता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेल्फ मार दें तो पहले इसको एक दो सेल्फ मार के दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा कि इसमें करंट नहीं आ रहा है, चलिए जानते हैं क्या हुआ है। अब मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ बटन को, और आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका फ्यूल पंप नहीं चल रहा है। एक हफ्ते पहले तो ये अच्छा था, क्या फ्यूल पंप ख़राब हो गया? बताते हैं इसमें करना क्या। चाबी निकालनी है, यहाँ से टूल बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाला जो रिले है, यहाँ पर दो रिले हैं, ये फ्यूल पंप के होते हैं, इन पे हल्की सी चोट मारनी है। ये हो गया, अब चाबी ऑन करते हैं, फ्यूल पंप चलने लगा। और यहाँ पर रिले भी अपना काम कर रहा है, देखिए सुनिए, पहले चिपक गया था और काम नहीं कर रहा था, और अब देखिए यहाँ पर बाइक स्टार्ट हो गई। बंद करते हैं। अभी प्लग कैप वैप लगा लिया, एक बार बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। कभी अगर आप ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं 500 बाइक में या FI वाली किसी बाइक में, तो इस चीज़ को ट्राई करिए, हो सकता है आपकी बाइक हो जाएगी जैसा मैंने किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों एक चीज़ को आप नोट कर लीजिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि FI वाली बाइक जो है, इनका अगर अगर इनका फ्यूल पंप नहीं चलेगा तो बाइक में करंट नहीं आएगा। जब भी देखिए सेल्फ स्टार्ट होगा, हर चीज़ सभी फंक्शन चालू रहेंगे, हॉर्न लाइट जो भी है सारे फंक्शन चालू रहेंगे, लेकिन अगर फ्यूल पंप नहीं चलेगा तो इसमें करंट नहीं आएगा। तो कभी भी आपके साथ में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर फ्यूल पंप बाइक का, FI बाइक का नहीं चलेगा तो इसमें करंट नहीं आएगा। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ इतना ही था कि इसके जो रिले थे वो चिपक गए थे, जिसके लिए फ्यूल पंप नहीं चल रहा था और करंट नहीं आ रहा था। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम जल्दी मिल रहे हैं आपसे हमारी दूसरी आने वाली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।